हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रजिस्ट्री बंटवारा कैसे होता है, यानी जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा कैसे होता है और ये काफी सस्ता और आसान है। आप लोग पंचनामा बंटवारा तो करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पंचनामा बंटवारा से काफी ठोस जो है ना, सो रजिस्ट्री बंटवारा होता है, यानी जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा, और काफी और सस्ता होता है। ये बिल्कुल फ्री है, ये समझिए तो फ्री है। इसका जो चार्ज होता है ना, तो सरकार माफ कर दिया है। हो सकता है बहुत आदमी को ये जानकारी ना हो, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि सादा कागज पे ही पंचनामा बंटवारा कर दिया जाता था। उसके बाद 100 रुपया का स्टाम्प पेपर, यानी 100 रुपया का जो स्टाम्प पेपर आता था, स्टाम्प पेपर पे वो उस पे होता था। उसके बाद 1000 स्टाम्प पेपर पे पंचनामा बंटवारा किया जाता था। लेकिन कुछ कुछ आदमी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम देखा गया कि कुछ दिन बाद, यानी कुछ वर्षों बाद जो है, वो पंचनामा बंटवारा को मानने के लिए जो है ना, सो इनकार कर देते हैं, यानी वो मानते ही नहीं है। और वो कोर्ट में जाके कोर्ट से दरखास्त करते हैं, यानी कोर्ट से अपील करता है कि पंचनामा बंटवारा जो है सो गलत किया गया है, ठीक है, इसको, इस जमीन का जो है रजिस्ट्री बंटवारा किया जाए। इस कारण जो है आगे जाके प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए अगर शुरू में ही आप रजिस्ट्री बंटवारा कर लेते हैं तो ये समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला बात तो ये कि जब आप जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। बोला जाए तो रजिस्ट्री कागज, रजिस्ट्री जो कागजात होता है ना, सो गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, वो रजिस्ट्री दस्तावेज के अंतर्गत जो है ना, वो आ जाता है। तो जब रजिस्ट्री दस्तावेज बन जाता है तो वो मजबूत और ठोस बन जाता है, इसलिए आपको वो कराना जरूरी है। देखिए, अब ये कराने के लिए, ये जो है कराने के लिए अब जब कोर्ट में जाएंगे तो ये आसान विधि हम आगे बताएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो को जो है ना पूरा देखते हैं, स्किप नहीं कीजिए, तो फिर आपको बहुत सारा छोटा छोटा मुद्दा जो है छूट जाएगा। देखिए, तो आपको जो है, अगर आप जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा कर लेते हैं तो वो कोर्ट में जाके कभी भी कुछ भी वो जो दावा करेंगे ये बंटवारा जो गलत हुआ है, तो वो उसका नहीं चलेगा। इसलिए आपको रजिस्ट्री बंटवारा ही करना चाहिए, समझ गए। देखिए, होता है क्या, किसी किसी आदमी को दादा पिता के नाम से रहते हैं जमीन, और अभी तक फिलहाल जब तक वो हैं तब तक बहुत आदमी जो है सो अपने नाम पर जमीन नहीं करवा पाते हैं या नहीं कराते हैं, और कराना भी चाहते हैं तो इतना ये बात सोच के ही मन सुस्त पड़ जाता है, जिससे वो आस के समझिए और प्रॉब्लम और नहीं जानकारी होने के कारण और सही जानकारी नहीं होने के कारण वो अस्कता आ जाते हैं, यानी आलसपन उसमें आ जाता है। इसलिए आपको ये आलस को दूर करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, जब देखिए आप क्या कीजिए कि पंचनामा बंटवारा आप किए होंगे कभी, कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी किए हैं तो आप एक रफ टाइप पे पंचनामा बंटवारा कर लीजिए, ठीक है। उसका रफ पेपर या उसका पंचनामा बंटवारा का फोटो लेके जाइए कोर्ट में, और अच्छा वकील को जो है जो जो होगा ना उसको ढूंढिए, ठीक है, उसके सहायता से जो आपको अच्छा से जो है सहायता करेगा, ईमानदार, थोड़ा ईमानदार हो, ठीक है, और जिससे होगा कि वहां पे आपको कम से कम खर्च पड़ सकता है। नहीं तो कैसा ऐसा आदमी भी आता है कि वहां पे आपको लूटने के लिए तैयार आता है, तो ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम है कि आप कैसे वकील के पास जाते हैं और क्या वकील पे आप विश्वास करते हैं कितना, ठीक है। तो ये पंचनामा बंटवारा अगर हो चुका है, नहीं भी हुआ तो करवा लीजिए, उसके बाद वो पेपर लेके जाइए। उसके साथ साथ आपको गवाह जो होता है ना, गवाह भी लेके आपको जाना है, और आपको खतियान के वाला लेके जाना है, और आधार कार्ड खुद भी लेके जाना है। आधार कार्ड भी हो तो लेके आधार कार्ड लेके आप जाइएगा, और जो आपका गवाह है उनको भी बोलिएगा अपना आधार कार्ड ले ले। उसके साथ साथ आप, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हैं, यानी बोले तो अपना डॉक्यूमेंट जितना भी है ना वो लेके जाए, जिससे होगा कि
कोई भी कागजात जो तभी मांग करेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप जमीन का आसान तरीका से रजिस्टर करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्री रहिए रजिस्ट्री मतलब जमीन का जो रजिस्ट्री बंटवारा करवा सकते हैं। जमीन का रजिस्ट्री बंटवारा जो समझिए गवर्नमेंट ये माफ कर दिया, इसका फी नहीं लेता है। गवर्नमेंट रजिस्ट्री बंटवारा का फी नहीं लेता, ये फ्री है और आसान भी है। तो आप जाके ये करवाइए, ये कराने से आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। काम कराना है तो ठोस करवाइए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप फुल कोर्स अमीन का करना चाहते हैं, अमानत का फुल कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैथ का थ्योरी का दिया गया है, वहां से आप पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कर सकते हैं। और इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी फ्री है। कितना आदमी को लगता होगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे मोबाइल से पैसा कट जाएगा, नहीं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है हर चैनल पे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरा कोर्स जाके देखिए। अमीन का नॉलेज लेना भी हो या नहीं भी लेना, उसे बहुत ऐसा ऐसा अचल संपत्ति के बारे में बताया गया है, तो आपको भविष्य में आपको काम देगा ही, बशर्ते आपको आने वाला जो बच्चा है सबको देगा। इसलिए ये वीडियो सबको शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिएगा, उससे अच्छा होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।